अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। और अभी टाइम हो रहा था, 1 बज रहे थे, मैंने अपना सारा काम कर लिया और अभी थोड़ा सा काम बाकी है, मुझे वो करना है। और ये नीचे बालू बहुत निकलता था ना, तो ये ला के बिछा दिया यहाँ के पापा ने। अच्छा हुआ बिछा दिया, बालू अब कम निकलता। नहीं हुआ, अब हुआ। देखो ये तो क्या नमक, नमक मैंने पहले से डाल के रखा है। ज़्यादा नमक मत खाओ, कपड़ा में जो बाहर निकलता है देखते नहीं हो। धनिया पत्ता सब चीज़ में डाल दिए, भरता में भी, दाल चावल भरता। भरता तो नहीं है, तो क्या है, चटनी भरता बनाए हैं, बैंगन है की इसको, सब्जी चटनी है, बोलता है चोखा बोले, क्या, चटनी। आलू का चटनी। तो पहली बार सुन रहे हो आलू का चटनी। भरता जो बोलते हो ना गांव में, वही भाषा बोला करो। भरता, पापड़, अंडा, बैंगन की सब्जी लो ना। लूंगा क्यों इतने तबस ले, रात में उतना बनाए थे। भरता मैं नहीं खाऊंगी, खाओ ठूस ठूस के। हो गया मेरा काम, और काम करते करते 4 बज गए। 4 इसलिए बज गए ना क्योंकि जब मैं 1 बजे बैठी थी चिपकाने के लिए, तो ये फेविकोल ये चिपकाने वाला ख़त्म हो गया था, तो इसीलिए उस टाइम काम कर नहीं पाई। जब उसके पापा आए 2 बजे खाना खाने के लिए, तो फिर फेविकोल लेके आए, उसके बाद चिपकाना शुरू किया था 2 बजे से, इसीलिए 4 बज गए। 2 घंटे लगे पूरे पूरे। स्कूल से आते ही दोनों छत पे खेलने के लिए आ गए। चल अभी नाना का फोन आया तब मैं आई हूँ इनको ऊपर बुलाने के लिए। सोने के डर से दोनों भाग गए ऊपर, फिर मुझे सोना दो। दोनों की खैरियत नहीं आज, जितना बदमाशी करना कर, पापा बस आने वाला है। चलो ऊपर बैठो, नाना से बात करो। मैं सो रही थी, तुम दोनों के लिए ऊपर जाना पड़ेगा मुझे। चलो हट जा, हट जा। फिर से आ गया मेरा काम। इस काम की कोई लिमिट ही नहीं है, सुबह शाम रात किसी भी वक्त आ जाता है। और मुझे अभी ही इसमें से 20 चिपकाना पड़ेगा, और ये दोनों सोते, मेरी टेंशन दूर हुई। दोनों सो गए, बाप रे बहुत परेशान करते बच्चा, ज़बरदस्ती सुताई हूँ दोनों को, सो ही नहीं रहे थे, इसलिए तो दोनों छत पे भाग गए थे सोने के लिए। मैं जा रही हूँ पहले अपना घर का काम करने, उसके बाद कोई काम करूँगी। बर्तन धो लेती हूँ, गया झाड़ू भी मार लिया, बर्तन भी धो लिया, सारा काम हो गया। बस अभी जा रही हूँ प्याज और आलू के पकौड़े बनाने। वैसे मूली भी है मेरे पास, मूली भी डाल दूँ, लेकिन आज आलू प्याज के पकौड़े बना के देखती हूँ कैसा लगता है खाने में। चलिए भी काट लेती हूँ इसे। मैंने अपने पकौड़े की सारी चॉपिंग कर ली है, धनिया पत्ता, आलू, मिर्ची, प्याज सब काट लिया। और इन दोनों के लिए जा रही हूँ सब्जी बनाने के लिए। ये दोनों उठेंगे तो बोले पकौड़ा नहीं खाना, मुझे चीज़ लेना है दुकान से, तो उससे अच्छा मैं घर पे ही बना देती हूँ। कुरकुरे से अच्छा है सब्जी खा लेंगे, वही बना देती। तो बन के तैयार हो गया, अब मैं अपना पकौड़ा बनाऊंगी और चाय बनाऊंगी। पकौड़े का बैटर भी तैयार कर लिया मैंने। पकौड़ा, इमली की चटनी मैंने खुद से बनाई है, संडे को बनाया था। आगे यहाँ नक्शा का और उसके पापा का चाय, और मेरा चाय भी आ रहा है उसके पापा। पापा को मैंने पहले फ़ोन कर दिया, क्या हुआ, जब मुँह धो के आ जा। अच्छा बेटा जा जा, कम्बल ओढ़ा था इतना पसीना निकल रहा था, फिर मैंने कम्बल हटा दिया। जल्दी जा, एक सा आ जाओ, जल्दी उठ जा, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ ना। नहीं खाना, तुम दोनों के लिए बनाया था मैंने, जल्दी आ जा। तब तक मैं चाय पीती हूँ, मुझे काम करना। बाबू आ जा, हो गया कितना सो गए। एना से सबाई बनाया था रेहान के लिए, रेहान को ये पसंद ही नहीं है, बता। उठो ना, 7 बजे से पहले चाय पी के काम करने के लिए बैठ जाऊंगी, हुआ नहीं, 7:30 हो गया। अब जा रही चिपकाने के लिए, अब काम पे लग जाऊँ, अभी से लेकर 10 बजे तक करूँगी। उसके बाद 10 बजे खाना बनाऊँगी, बैगन का भरता, रोटी गरम गरम पकाएंगे, गरम गरम खाएंगे।
काम पे लग जाती हूँ। और खाना भी बना लिया, और इन दोनों को नहीं खाना बैगन का भरता, तो इसलिए दिया है दूध रोटी। दूध खाली पीते नहीं, तो इसीलिए बोला कि दूध रोटी खा लो। नीचे आना, ऊपर क्या कर रही, जल्दी खा लो। रात बहुत हो गया ना, आके खा लो। अब 12 बजे खाना कौन खाता है? रोटी भी चीनी दी है इसमें, हाँ डाल दीजिए, खा ले रहे हैं। खा भी बेटा, जो मिर्चा का डब्बा लेकर डाल दिया तुमको, मिर्ची छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, डाल दिया मिर्ची का डब्बे खा दे। वहाँ बोल दिया है तो दो खानी पड़ी। नहीं दो है, मैंने पहले से ले रख दिया।